लाश के लिए बहुत अच्छा सॉन्ग है, मुबारक हो आपको। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस था? बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आप सभी लोग का इधर टाइम देने के लिए। बहुत लेट नाइट हो कर रखा है ऑलरेडी, और मुझे आइडिया था नहीं आप इतने लोग आ जाएंगे इतने लेट भी। तो सबसे पहले आप लोग का शुक्रिया, उसके बाद सचिन सर का बहुत बहुत शुक्रिया फेथ दिखाने के लिए मेरे अंदर, अंकित के अंदर। बाकी अंकित का ऑफकोर्स बिग थैंक टू दिस गाय। अंकित ने ये सॉन्ग बहुत टाइम हो गया एक्चुअली, तब ये मेलोडी क्रैक करी थी, मुझे बोला था कि यार करते हैं कुछ अच्छा शूट करते हैं। कुछ चीजों की वजह से जो चीज हमने सोची थी वो नहीं निकल पाई आउटपुट, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इसलिए काफी टाइम तक हम लोगों ने रिलीज का सोचा ही नहीं एक्चुअली। अंकित ने भी जाने दिया, मैंने भी सोचा चलो ठीक है देखते हैं कभी। फिर एकदम से सचिन सर की एंट्री होती है हमारी लाइफ में और इतने दिनों से रखा हुआ गाना जो कि मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि यार ठीक ही था, क्यों हम लोग नहीं रिलीज कर रहे थे, तो वो रिलीज हो गया है आप लोग के सामने। आप लोग को अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग को अच्छा लग रहा है, और सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है कि काफी लोग मेरे परफॉर्मेंस की भी तारीफ कर रहे हैं। आई डोंट नो, मैं मतलब मुझे नहीं लगता कि ये मेरा 100% था, बट स्टिल पीपल आर अप्रिशिएटिंग, दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी एक्चुअली। और हमारे प्रोड्यूसर जो मुजम्मिल मुमताज है, जिन्होंने इस गाने की नींव रखी थी, वो हमारे साथ में है, थैंक्स टू हिम ऑल्सो। थैंक्स टू लिरिसिस्ट अंकुर अधारना, इज रियली गुड एट राइटिंग, उन्होंने ये गाना लिखा है। और भी कई सारे उन्होंने गाने लिखे हैं जो मार्केट में आ चुके हैं, बहुत अच्छे लेवल पे भी आ रखे हैं। बाकी इमोशनल सॉन्ग है ये, कितनी तैयारी की थी आपने उसके बारे में थोड़ा बताइए, अपने को आर्टिस्ट के बारे में बताइए, वो आज है भी नहीं यहाँ पे। देखिए सर, तैयारी कुछ थी नहीं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट परफॉर्मेंस की तो कोई तैयारी नहीं थी। थोड़ा सा चूंकि मैंने को डायरेक्ट किया है सॉन्ग, तो एग्जीक्यूशन की थोड़ी सी तैयारी की थी, बट फिर भी कुछ रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल हो पाए थे, इसलिए वो आउटपुट नहीं निकला। अगर आप लोग थोड़ा डीपली देखेंगे तो बहुत सारी कमियां हैं जो मुझे पता है, हमारी टीम को पता है, मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी, बट स्टिल अच्छा लग रहा है ये, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वैसा। बाकी अंकित ने बहुत अच्छा गाया है, सबसे अच्छी बात होती है कि गाना कानों को सुनने में अच्छा लगना चाहिए, राइट, क्योंकि वीडियो कोई देखने वाला है नहीं, वो यूट्यूब पर देखेंगे, बाकी का 200 प्लस स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उधर तो भाई की आवाज चलने वाली है। तो अंकित ने बहुत अच्छा गाया है, वो बहुत अच्छी बात है कि गाना बहुत खूबसूरती से गाया गया है, वो बहुत अच्छा कंपोज किया गया। अंकित भाई बताइए कैसे इस गाने, कैसे आपको गाना मिला और क्या प्रोसेस के लगभग 1.5-2 साल पहले शिवम का कॉल आया था मुझे। एक्चुअली मैं और शिवम 8 साल से हम लोग काफी रूम शेयर किया करते थे 16-17 में जब साथ रहते थे तो शिवम का मुझे कॉल आया कि यार गाना करना है। शिवम ने उससे पहले 2 गाने किए हुए थे, थोड़ा सा पैपी नंबर सॉन्ग था। शिवम का कॉल आया भाई गाना करते हैं और कुछ सैड करते हैं, तो मेरे पास सिर्फ वर्ड था जिंदा लाश, जो कि मुझे अंकुर ने दिया था भाई, एक वर्ड है जिंदा लाश। तो मैंने शिवम बोला शिवम एक वर्ड है जिंदा लाश, हम इसको बनाते हैं भाई। शिवम बोला ठीक है। तो मैंने शिवम को पहला ड्राफ्ट भेजा था, काश वो पहले मुड़ आते हम उन्हें जिंदा मिल जाते, अब की फायदा, मैं तेरे लिए खास बन गया, तू मेरी बारिश बन गई, मैं तेरी प्यास बन गया, और यारा मुड़ के नहीं हो, मैं जिंदा लाश बन गया। तो मैंने शिवम भेजा तो शिवम ने तो मुझे ओके किया था, और फिर हमने इस पर काम चालू किया। मैं लखनऊ आ गया, वहाँ पर मैंने काम चालू किया, गाने को बनाया, लगभग 15-20 दिन में हमने बना दिया था इसको, बना के शिवम को भेजा। बहुत स्मूथ प्रोसेस था एक्चुअली, गाना बनने का प्रोसेस बहुत स्मूथ था। निहाल ने इसको अरेंज किया, प्रोग्राम किया, निहाल ने इसको मिक्स भी किया, अंकुर ने बहुत बेहतरीन लिखा है, पूरी टीम ने काम करी है बहुत खूबसूरत। शिवम ने भी बहुत ही खूबसूरत इसको शूट किया है, शायद ये उतना सेटिस्फाई नहीं है जितना इसको होना चाहिए, बट ठीक है, बहुत हार्ड लेबर लगा है तो चीज़ें अच्छी बनेगी, अच्छी बनती रहेगी, बट अच्छा है गाना। और फिर हमने फाइनली इसको 2 साल बाद सचिन भैया के साथ, मैं लगभग बहुत गाने कर रहा हूँ इनके लेवल के लिए, और सचिन भैया ने कहा कि गाना करते, मैंने भैया को गाना सुनाया और
भैया ने अप्रूव कर दिया और फिर हम इसको अच्छे तरीके से रिलीज कर रहे हैं, बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है और अच्छा रहा प्रोसेस। शिव ने बहुत अच्छा काम किया, भैया ने बहुत अच्छा इसको रिलीज किया है। थोड़ा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि मैं अभी कुछ एक दो काम और कर रहा हूँ। एक फिल्म है राम रची राखा, उसका टाइटल है। स्टोरी इज बेसिकली अबाउट अ गाय 5 to 6 years old जो साउथ से चलता है और अयोध्या तक जाता है राम की खोज में। तो कुछ ऐसा स्टोरी है, थोड़ा साउथ पैटर्न बेस्ड है, उसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। स्टोरी मेरी खुद की है तो डायरेक्शन और एक्टिंग की जहाँ आप बात कर रहे हैं वो भी एक प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ, जिसमें डायरेक्शन भी मैं कर रहा हूँ, एक्टिंग भी कर रहा हूँ। स्टोलन गिटार करके फिल्म का नाम है, वो मैं नेटफ्लिक्स के लिए कर रहा हूँ। तो क्या होता है, आप जब दोनों चीजें एक साथ करते हैं तो थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है, बट मजा आता है क्योंकि आपको पता होता है एज अ डायरेक्टर कि आपको क्या निकलवाना है आर्टिस्ट से, मेन जो एक्टर है, राइट। तो आपको खुद पता है, आप खुद परफॉर्मर हो तो आप अच्छा निकाल सकते हो, वैसा है। बाकी हेक्टिक होता है, नो डाउट। बिल्कुल उसके लिए, बिल्कुल उसके लिए अपने असिस्टेंट रहते हैं उधर, अच्छा हो जाता है सर। तो सर आप बताइए कैसे आपने इस गाने पे पैसा लगाया, आप ऑलरेडी ये बना हुआ था आपकी इतना रिस्क। मैं वैसे शुभम को तो जानता नहीं था, अंकित मेरे लिए काम करता है और ऑलरेडी अंकित ने कुछ 16-17 गाने रेडी कर रखे हैं जिसकी वीडियो भी हमने ऑलमोस्ट तैयार कर रखी है और अपने लेवल पर बैक टू बैक प्रेजेंट करने की तैयारी थी। सडन अंकित आता है और मेरे से बोलता है कि भैया एक और सॉन्ग है हमारे पास में जो कि मेरा ही गाया हुआ है, सिंगर मैं ही हूँ, कंपोज भी मैंने ही किया हुआ है, जो लिरिसिस्ट है वो अंकुर ही है और अपना निहाल जो है वो म्यूजिशियन है। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के कि जो गाना बाहर से आ रहा है वो भी हमारी टीम का ही है और अब तो टीम का हिस्सा ही हो गया। शिवम भी टीम का हिस्सा है, मुजम्मिल भाई, जारा, ऑलमोस्ट जिंदालाज की सारी टीम ही टीम का हिस्सा है पूरा। तो सडन अंकित आता है और मेरे से बोलता है कि भैया एक और गाना है तो अगर आप चाहें तो इससे भी अपने लेवल की ओपनिंग कर सकते हैं। वो मुझे सुनाया गया, दिखाया गया गाना, देखा, अच्छा लगा, कहीं ना कहीं रिलेट करता है लोगों से, मुझसे, सभी से। तो मैंने प्रपोजल एक्सेप्ट किया और साथ में प्रकाश भैया भी थे, हमारे बड़े अजीज हैं और उनकी बात को टालना थोड़ा सा नामुमकिन सी बात हो जाती मेरे लिए। तो ठीक है, मैंने कहा इससे ही लेवल की लॉन्चिंग करते हैं और शुरुआत करते हैं। हमने प्लानिंग करी, एक अच्छा पीआर की प्लानिंग करी और एक अच्छा तरह से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 दिन हुआ है और नो डाउट पब्लिक बहुत पसंद कर रही है और बहुत अच्छा चल रहा है। अभी हमको रिलीज किए हुए ही 2 ही दिन में और ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं उसका। और प्रेजेंटेशन एक्चुअली काफी अच्छी की है सर ने, वो बहुत अच्छी बात है क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं आप उसको अगर प्रेजेंट अच्छी तरीके से नहीं करते हैं तो फिर वो वेस्ट हो जाता है। तो गाने की प्रेजेंटेशन अच्छी हुई है तो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं म्यूजिक बचपन से कर रहा हूँ, मेरे फादर बहुत अच्छा सुनकार है, सुनते बहुत अच्छा है, गाते थोड़ा था मैं तो, म्यूजिक बाय बॉर्न है मेरे अंदर। और 2016 में मैं बॉम्बे आया और 2-3 साल मैंने कुछ अच्छे लोगों के लिए काम किया, कुछ अच्छे लोगों के साथ काम किया। उसके फिर मैंने अपना खुद का म्यूजिक चैनल खोला था, इंडी दांकित गौतम करके यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं अपने गाने अपलोड करता हूँ, वो किया मैंने। उस पर लगभग 4-5 गाने रिलीज किए। उसके फिर मैं सीखने चला गया लखनऊ बनारस, थोड़ा सा म्यूजिक को एक्सप्लोर किया, क्लासिकल म्यूजिक, थोड़ा सा वॉइस कल्चर मॉड्यूलेशन थोड़ा और सीखा। फिर वापस बॉम्बे आया तो भैया से मुलाकात हो गई, भैया से मुलाकात हो गई तो जितने भी गाने बनाए भैया के साथ किया और बहुत ही खूबसूरत गाने अभी आएंगे इस चैनल पर। जिंदा लाश तो है ही खूबसूरत, लेकिन जो गाने आने वाले हैं इस पर वो भी आपको कमाल का प्रोडक्शन, कमाल का ऑडियो, बड़े लेवल का आपको एक विजुअल और ऑडियो का साउंड मिलेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे जिंदा लाश कब ऐसा आपको लगा कि इस तरह का एल्बम बनाना चाहिए? सर पता ही क्या होता है, जिस लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं, मीन जिस फेज पर हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग को ऐसा मौका मिलता नहीं है कि हम कुछ सोचें और फिर हम उसको बनाएं क्योंकि रिसोर्सेज होते नहीं है, राइट। तो चीज़ें ना सडन होती हैं एंड द सेम हैपेंड विद जिंदा लाश एज वेल।
मुजम्मिल मुमताज जिन्होंने गाना प्रोड्यूस किया, मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मुझे कुछ करना है, म्यूजिक एल्बम करना है और अच्छा करना है कुछ। फर्स्ट मीटिंग थी हमारी, मैंने डायरेक्ट अंकित को कॉल किया कि कुछ अच्छा म्यूजिक पड़ा है। He said कि यार मेरे पास एक वर्ड है जिंदा लाश, इस पर कुछ बनाया जाए। उनका भेजो, भाई ने नेक्स्ट गाना बना के भेजा और मुजम्मिल सर को मैंने सुनाया, उन्होंने डन किया, चीजें हो गई। तो ऐसे होता है सडन का। बट हाँ, अच्छी बात यह है कि जो चीज सडन में हमें मिली है ना, उसके साथ हम जस्टिफाई करें, राइट? वो चीज हमारी कोशिश है और वो मैंने किया भी है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम थे, उसमें कोई अच्छी चीज निकाल देना जो आंखों को अच्छी लग रही है, ठीक है, विजुअल्स भी अच्छे हैं, ऑडियो बहुत अच्छा है, क्योंकि भाई को भी के लिए भी ये बड़ी बात है कि कम रिसोर्सेज में एक अच्छा, इतना अच्छा ऑडियो निकाल देना, जो मैं समझता हूँ कमर्शियल आजकल जो बड़े बड़े गाने आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये टक्कर दे रहा है, राइट? तो वही होता है हम लोग के साथ, इधर टैलेंट ज्यादा होता है, रिसोर्सेज थोड़े कम होते हैं, बट फिर भी कोशिश करके अच्छे निकाल लेते हैं। रिसोर्स की दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल सचिन भैया हैं तो रिसोर्स की दिक्कत नहीं होगी। सर आपसे जानना चाहेंगे, जिंदा लाश आपको जब ये मिला जी, उसके आगे जो आपने जोड़ा है जी, वो काफी अच्छा बैठा है, तो वो किस तरह से? ये काम एक्चुअली मेरा नहीं है, ये काम अंकुर का है, अंकुर ने लिखा है इसको, एंड ही इज अमेजिंग लिरिसिस्ट, मुझे लगता है कि कमाल लिखता है, और मेरे लगभग 15 गाने उसने लिखे हैं, और जिंदा लाश अंकुर ही लिखा था और उसने मुझे वर्ड दिया था जिंदा लाश, उसके बाद उसने जो लिखा और जब मैं उसको पढ़ रहा था तो मुझे लगता है कंपोजिशन अपने आप बन गया। जब मैं पढ़ रहा था काश वो पहले मुड़ आते हैं उन्हें जिंदा मिल जाते, मुझे लगा अपने आप बन रहा है, काश वो पहले मुड़ आते, वो ट्यून मेरे दिमाग ऑटोमेटिक चल रहा। तो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं हुआ इसमें, अंकुर अच्छा लिखता है, उसका एक अपना भाव है लिखने का, मैं कंपोज करता हूँ गाता हूँ तो वो चीज़ें अपने आप बनी स्मूथली, अपने आप रिकॉर्ड हुआ, अपने आप ट्रैक बनाया 1.5 साल पहले, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से। जी सर आपसे जानना चाहेंगे इस एल्बम में सर जो है वो काम कर रहे हैं, आप होते तो कैसा होता? मैं होता तो कैसा होता, मैं होता तो ये होता, मैं होता तो वो होता। कहीं ना कहीं जो लिरिक्स हैं अंकुर के वो मेरी लाइफ से भी रिलेट करते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत हार्ट को टच करके आया है अंदर से, बहुत डेप्थ में जाकर बाहर आया है। दैट द रीज़न कि पहला गाना यही रिलीज करने का मैंने प्लान किया, अदरवाइज दूसरे सॉन्ग्स रेडी हैं और ऑलमोस्ट उनकी रिलीजिंग की प्लानिंग चल रही है और चल रही थी, पर जो एक्ट शिवम ने किया है, नो डाउट, वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्ट किया शिवम ने, और शायद मैं होता तो मैं भी कुछ पकड़ पाता इस चीज़ को और कर पाता, क्योंकि मेरी लाइफ से भी रिलेट करती हैं चीज़ें, जो लिरिक्स हैं उसके वो कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं बहुत ज़्यादा। लास्टली ऑडियंस से क्या फील करना चाहेंगे इस गाने को देखने के, किस प्लेटफॉर्म पे जाएं उसके बारे में? केसी म्यूजिक यस, अभी शुरुआत है, केसी म्यूजिक के थ्रू बहुत कुछ चीजें आने वाली हैं, जैसा कि अभी अंकित ने बताया, सर ने बताया, तो जिंदा लाश से शुरुआत हुई है और मैं समझता हूँ जिंदा लाश केसी म्यूजिक के लिए बहुत लकी होने वाला है। ओके, तो आप केसी म्यूजिक सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, जिंदा लाश सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल, और आप गाना मिल जाएगा, आप वहां से गाना देख सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। देखा है तो इमोशनल तो थोड़ा होना ही पड़ता है, क्योंकि सॉन्ग ये ऐसा है, रिलीज भी थोड़ी मैच करती है, तो थोड़ा इमोशनल होना ही पड़ता है। आपने पहली बार देखा, इससे पहले देखा था आपने? नहीं, ये सॉन्ग मैंने पहली बार देखा। अच्छा, तो इस तरह के सॉन्ग तो बहुत सारे अभी आए हैं, आपने इससे पहले और कुछ सॉन्ग तो देखे? तो अभी बहुत सारे सुने हुए हैं, बट अभी थोड़ा याद नहीं है मुझे। अभी मैं दो सीरियल में काम कर चुका हूँ सर, 3 वेब सीरीज की मैंने, 2 शॉर्ट मूवीज की है, 4 ऐड किए हुए हैं, एल्बम सॉन्ग किया मैंने भोला भंडारी नाम से, यूट्यूब पर आपको मिलेगा, उस पर मैं शिव जी का कैरेक्टर प्ले किया था। ओके, चलिए, अच्छी बात, चलिए, थैंक यू।